मैंने छोटा ही से इधर ही पाड़ा का छोटा छोटा ग्राउंड में खेल के, मैंने बिना मैंने बूट बिना पहन के खेल के, मैंने खेलने का इतना ही उत्साह हो गया ना कि खेलते ही रहूंगी ऐसा लगता है। कैसे लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा? छोटा से खेल के अभी मैंने क्या फुटबॉल लाइफ ही हो गया है। बेस्ट स्कोरर ऑफ द मैच या फिर टूर्नामेंट, यहाँ पे शील्ड भी रखा हुआ है, तो आपको कैसे लगता है? अच्छा लगे ला, बहुत दूर से खेल के भी आवेल ले, मगर अच्छा लगे। ट्रायल देके सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट कोलकाता गए, वहाँ कोलकाता में भी सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे एक महीना जैसे रहे। पैसा नहीं रहे तो मैं केकरो से ऋण उधर मांग के पैसा, उसे सामान वान किने के लिए नहीं रहे, बोले मैं सामान पैसा मांग के किन के भेजू। उनकी एक बड़ी दीदी है, वो फुटबॉल खेलती थी और फुटबॉल खेलते खेलते उनको नौकरी लग गया, वेस्ट बंगाल पुलिस में अभी नौकरी कर रही है। सपोर्ट है माँ पिताजी का, सपोर्ट है। मैंने कुछ चीज घट जाता है, खेलने का चीज बोलते हैं, खरीद देते हैं। और आगे कहाँ तक जाना चाहते हो? हम लोग इंडिया टीम के लिए खेलना चाहते हैं। मैं जोहार, आप देख रहे हैं मिंज ब्लॉग सिमडेगा और मैं अमित मिंज आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हैं वेस्ट बंगाल के मजे डबरी चाय बागान, और ये जो परिवार आप देख रहे हैं ये बहुत ही खास परिवार है। और ये शील्ड मेरे जो सामने देख रहे हैं और ये जो मेडल्स हैं, जो इन्हीं दो भाई बहनों के मेहनत से ये शील्ड और मेडल यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, ये अनुष्का है और ये हैं आतिश, और इधर में उनकी माता जी बैठी हुई हैं। और ये दोनों वेस्ट बंगाल, ये जो अनुष्का है वो वेस्ट बंगाल टीम के लिए, मतलब अंडर 17 ना, अंडर 17 में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तो आइए हम इनसे बातें करते हैं कि मतलब ये कैसे मतलब उस लेवल तक पहुंची है। इनका नाम अनुष्का टोप्पो है ना, अनुष्का टोप्पो है और इनका आतिश टोप्पो, तो ये दोनों आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं। इतने मतलब परिस्थिति को ऊपर उठ के इतने ऊपर तक जाना आप समझ ही सकते हैं। तो अनुष्का, तो बहुत बहुत बधाई इतने ज़्यादा मेडल जीतने के लिए, अपने घर का नाम रोशन करने के लिए और फाइनली अपना स्टेट का नाम रोशन करने के लिए, है ना? बहुत मेहनत लगता है, ये तो बहुत मेहनत की बात है। तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है। छोटा से खेल के अभी मैंने क्या फुटबॉल लाइफ ही हो गया है समझो। तो मतलब शुरुआत कैसे हुआ, थोड़ा सा हमें बताया जाए और हमारे दर्शकों को भी बताया, शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि हमें फुटबॉल खेलना चाहिए? मैंने छोटा ही से इधर ही पाड़ा का छोटा छोटा ग्राउंड में खेल के, मैंने बिना मैंने बूट बिना पहन के खेल के, मैंने खेलने का इतना ही उत्साह हो गया ना कि खेलते ही रहूंगी ऐसा लगता है। मतलब शुरुआत में छोटा छोटा जो प्रोग्राम होता था पाड़ा में, टी स्टेट तरफ से प्रोग्राम छोटा छोटा करवाता था, देखते थे शुरू में, तो उसके बाद मतलब इच्छा जगा होगा उसके बाद मतलब स्टेट लेवल का नेतृत्व करने का मौका कैसे मिला, मतलब कहाँ कहाँ से मतलब अपॉर्चुनिटी मिला? मैंने पहले हम लोग तो यहीं पे डीआरएम सामने हम लोग का ग्राउंड, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उनसे हम लोगों बोला गया कि बीरपाड़ा जुबली क्लब में वहाँ पे ट्रायल चल रहा है अंडर 17 का बंगाल टीम के लिए, उनसे बोले तो हम लोग को सुने, सर भी बोला जाएगी अनुष्का, बोला तो हाँ, बोले सर, बोला कि जाओ, तब बोला सुबह का ट्रेन में गए वहाँ पे ट्रायल दिए, दो तीन बार वहाँ पे हुआ उन्हें ट्रायल दे के सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट कोलकाता गए, वहाँ कोलकाता में भी सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे एक महीना जैसे रहे कोलकाता में, उसके बाद उड़ीसा गए थे मैच खेलने के लिए। तो आतिश भी खिलाड़ी है, कहाँ कहाँ तक, कौन सा लेवल तक खेले हो? डिस्ट्रिक्ट लीग। डिस्ट्रिक्ट, आतिश मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला है, अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व किए हो, और मेडल जीते हो? जीता वहीं पे है मेडल। अच्छा, यहीं पे है, दोनों भाई बहन का मेडल यहीं पे है, मेडल है, मेडल है, हाँ मेडल है। हाँ, तो अभी हमें यहाँ बैठ के ही पता चला कि इनकी एक बड़ी दीदी है, वो फुटबॉल खेलती थी और फुटबॉल खेलते खेलते उनको
नौकरी लग गया से बिल्कुल वेस्ट बंगाल पुलिस में अभी नौकरी कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खेलने के बाद भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं आगे जाके, और हम आशा करते हैं कि ये जो अनुष्का हैं और उनके भाई दोनों हैं इनको भी कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी और कुछ अच्छा जगह इनको भी पोस्टिंग मिल जाएगा, है ना, यही उम्मीद करते हैं ना। जी हाँ, हम लोग की हम लोग खेल के अपना लाइफ करियर बना सके। और आगे कहाँ तक जाना चाहते हो? हम लोग इंडिया टीम के लिए खेलना चाहते हैं। मैं देखिए 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 आपके सामने इतने मतलब इंडिया के लिए बहुत भविष्य वाले मतलब खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, और हम बहुत जल्दी उम्मीद करेंगे क्योंकि हम आपका जो मेहनत और लगन और जो इच्छा शक्ति है उसको देख के हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्द बहुत जल्दी ही इंडिया टीम पहुँच जाएँ, और उसी हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपके घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? सपोर्ट है, माँ पिताजी का सपोर्ट है। मैंने कुछ चीज़ घट जाता है खेलने का चीज़ बोलते हैं, खरीद देते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि घर वालों का माता पिता दोनों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। घर वालों का सपोर्ट और उनका मेंटल सपोर्ट, उनका आर्थिक सहायता पैसे के रूप में या फिर कहें मतलब मानसिक रूप में या फिर कुछ सामान, ये सब सपोर्ट घर वालों का बहुत ज़रूरी होता है। आपको कैसे लगता है जब ये बच्ची आपकी इतने सारे मेडल्स स्टेट लेवल की जीत के लाती है, इतने सारे शील्ड जीत के लाती है, हमने देखा कि बेस्ट स्कोरर ऑफ द मैच या फिर टूर्नामेंट यहाँ पे शील्ड भी रखा हुआ है, तो आपको कैसे लगता है? अच्छा लगेगा, बहुत दूर से खेल के भी आवे ले मुझे अच्छा लगेगा। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सादरी में बोल रही हैं, लेकिन जो इनका कहना है कि ये बहुत अच्छा लगता है, ये दूर दूर से खेल के आती है और अपना स्टेट लेवल प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या समस्या से जूझना पड़ता है इनको बाहर भेजने के लिए? कभी कभी पैसा नहीं रहे तो मैं केकरो से ऋण उधार मांग के पैसा सामान वामान किने के लिए नहीं रहे बोले मैं सामान पैसा मांग के किन के भेजूँ और हाथ में पैसा मान नहीं रहे। देखिए इनको इस लेवल तक जाना पड़ता है कि इनको बाहर भेजने के लिए किसी दूसरे से भी उधारी लेके इनको भेजना पड़ता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये अपने बच्ची को अपने घर तक नहीं रोकते हैं, इनको कहीं ना कहीं से उधारी लेके भी इनको भेजते हैं खेलने के लिए। तो ये आपके मतलब हम आपकी सराहना करते हैं कि आप मतलब इनका जो रुचि है या फिर इनका जो टैलेंट है उसको पहचाने और इनको मतलब बाहर भेज रहे हैं खेलने के लिए, और ऐसे ही बच्चे ऊपर उठ के मतलब इंडिया के लिए खेलते हैं। इंडिया जो टीम में है ऐसे ही मतलब परिवार हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होते हैं और ऊपर उठ के वो लोग इंडिया टीम के लिए खेलते हैं। तो हम आपकी बहुत सराहना करते हैं और आपके जो हस्बैंड हैं उनकी भी सराहना करते हैं। आप क्या काम करते हैं? बगान में चाय पत्ती तोड़े। क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल है वो नॉर्थ बंगाल है, वो यहाँ पे चाय की फैक्ट्री है और ये चाय बागान है, तो यहाँ पे मोस्टली लोग चाय पत्ती तोड़ते हैं। तो ये सालों भर चलते रहता है और इनका पेशा ही मतलब वही है, तो ये चाय तोड़ने का काम करते हैं। उनको वहाँ ज़्यादा मतलब उतना पैसा नहीं मिलता है, एक दिन का हमको लगता है 150-250 रुपया मिलता है, तो ये बहुत ही कम है यहाँ इनके लिए घर चलाना और इनको बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो आपके घर में कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, दोनों लड़का लड़की ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अनुष्का और इनके भाई आतिश हैं ये इसी तरह से मेहनत करते जाएं आगे, और आप जो दर्शक देख रहे हैं हमें और इनके परिवार को देख रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है फिर भी ये अपना स्टेट को अभी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि इनका इनका एज है वो हमको लगता है 16-17 साल होगा, 16 साल की है, और इनके भाई 17 साल के हैं ना। दोनों अच्छा खेल रहे हैं, बल्कि इनकी जो बहन है वो स्टेट लेवल को मतलब लीड कर रही है, नेतृत्व कर रही है। हमारे जो दर्शक हैं या फिर आपके जैसे युवा जो लोग हैं, जो आज हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग नशा पान मोबाइल में बहुत सारे बुरी लतों में फंसे हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? कहेंगे कि नहीं, मैंने क्या बोलेंगे, फुटबॉल मैंने जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ही फोकस करो। वही तो। हाँ,
पढ़ाई लिखाई एक तरफ, मैंने पढ़ाई को भी लेके चलना है खेल के साथ साथ। बिल्कुल सही बात बोला, जो इंटरेस्ट है अपना, जो अंदर जो इंटरेस्ट है, इनको खेलने का इंटरेस्ट था, ये खेल के आगे बढ़ रही हैं, अपना स्टेट को प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और इनको गोलकीपर में इंटरेस्ट था, ये गोलकीपिंग कर रही है, आगे भी खेल सकती थी लेकिन आगे वो उनको इंटरेस्ट नहीं था तो वो आगे नहीं कर रही, गोलकीपर ही कर रही है। तो जो जिसको जो इंटरेस्ट है उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो बुरी लतें हैं वो सब चीज़ें हट सकें, क्योंकि आज के ज़माने में इतने सारे बुरे, जैसे मोबाइल है, नशा पान है, इतना मतलब जड़ पकड़ लिया है कि मतलब इस एज के बच्चे उस चीज़ से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, वो हमेशा उसमें घुसे जा रहे हैं। तो खेलने से जो नशा हुआ या फिर खेलने में जो टाइम लगता है वो तो उन सब चीज़ों को सोचते नहीं होंगे ना, है ना। जो खेलने के कूदने का समय में वो लोग दूसरा काम में व्यस्त रहते हैं, और मैंने कुछ गलत काम में, वही काम मैंने वही समय में जो अच्छा सोच के कुछ करेंगे वो नहीं सोचते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट बंगाल के ये अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट है और ये मजडबरी चाय बागान है, तो मैं आज इन परिवार से मिलाया आपको, और ये दोनों खिलाड़ी है, जो एक बहन है अनुष्का जो स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट कर चुकी है, सुब्रतो कप भी खेल चुकी है अपने स्टेट के लिए, और ये गोलकीपर खेलती है, बहुत ही अच्छा पोजीशन है, और इसी चीज़ को मतलब ये कंटिन्यू करना चाहती है, अब साथ साथ ये पढ़ाई भी कर रही है। तो इतने अभाव के बावजूद भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इनका जो बात है, इनका जो एटीट्यूड है, इनसे पता चलता है कि ये बहुत ही जल्द मतलब आगे बढ़ते हुए अपने देश का, देश के लिए खेलेंगी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अनुष्का अपने देश के लिए खेलें, इंडिया के लिए खेलें, और हमेशा आगे बढ़ते जाएं। तो अनुष्का बहुत बहुत बधाई आपको, और आगे के लिए शुभकामनाएँ, और घर वालों का भी हमेशा साथ रहे, हम यही चाहते हैं, मम्मी और पापा दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए, और आगे भी मतलब ऊपर वाले के भी आशीर्वाद हो, और मम्मी पापा का आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। हम भी दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्द बहुत आगे तक पहुंच जाएं, और परिवार का नाम रोशन करें, स्टेट का नाम रोशन करें, और एक दिन इंडिया का भी नाम रोशन करें। तो आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ देखने के लिए हमारे वीडियो को, और अगर आपके आसपास कोई ऐसे टैलेंट है जो छिपा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों का टैलेंट घर तक ही रह जाता है, वो पाड़ा में खेलने का, जो आस पड़ोस में खेलने तक ही रह जाता है, लेकिन आपको अगर पता चलता है ऐसे टैलेंट, तो आप भी पहचानिए और उनको सामने लाइए, उनको सपोर्ट करिए। अगर आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको मेंटली रूप से सपोर्ट करिए, और उनका टैलेंट को उभारिए, बाहर लाइए, और उनको लिंकअप करिए, ताकि जैसे अनुष्का अभी उनके कोच के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, उनके माता पिता के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये आगे बढ़ रही हैं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले स्टोरी के साथ। तो आप सबों को शुक्रिया, जोहार, जय झारखंड।